हेलो दोस्तों, मेरा नाम गफ़ार है और मेरे चैनल का नाम गफ़ार टेक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि आए दिन मैं हर एक वीडियो एक नई तकनीक के लिए लेके आता हूँ, मतलब नई जानकारी के लिए, और हर एक जानकारी आपके ही काम की होती है और आपके ही मतलब की होती है। तो जो कुछ हमारे पेंटर भाई हैं उनके कुछ सिखाते थे, तो वो उनके आज मैं सिखाते ख़त्म करना है। तो इसमें मैंने 6-7 कलर दिखाए हैं बना के, तो आप देख सकते हो कलर मैंने किस तरह से बनाया। तो वो कलर आप खुद बनाना सीख जाओ किस तरह से बनता है, किस तरह से नहीं। तो मैं इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा आपको कौन सा कलर किस में डलता है। कलर नंबर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैं स्क्रीन पर भी ये कलर नंबर दे देता हूं। ये देखिए, स्क्रीन पर नंबर आपको दिख ही रहा होगा, 7833 ये हमारा कलर नंबर है। आपको शेड कार्ड में अगर पूरी तरह से नहीं दिख रहा है तो आप शेड कार्ड ले लीजिएगा प्लास्टिक पेंट का, एक्वालाइट प्रीमियम मिल्सन का, तो उसमें आप ये नंबर दिख जाएगा। और ये दोस्तों देखो, ये फास्ट येलो है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये फास्ट येलो है। ये हमने कलर कैसे बनाना है, ये फास्ट येलो हमने ज़्यादा डालनी है और हल्की डालनी है हमने ये लॉक साइड, तब ये कलर हमारा बनेगा। दोस्तों ये हमारा ये लॉक साइड है, तो ये हमने ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत हल्की डालनी है, तभी हमारा ये कलर बनेगा जो मैंने आपको बताया। इस तरह से ये कलर आप बना सकते हो, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान बनाना कलर है। बस सिर्फ इसमें दो ही स्टैंडर्ड यूज होते हैं, तीसरा कलर कोई यूज नहीं कर सकते हम, सिर्फ दो ही कलर। और देखो सेम कलर बन गया हमारा, आपको मेरा नंबर बता दिया था, इसी नंबर वो आप सेट कर चेक कर सकते हो। हल्की सी दो बूंदें और डाली हमने येलो ऑक्साइड की, देखो येलो ऑक्साइड और डाला हमने थोड़ा सा, वो लाइट था। अभी ये पर ऊपर हमारा ठीक ठाक बन चुका है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत शानदार कलर बना, इसी की तरह बना, सूखने के बाद में सेम टू सेम हो जाता है। बस इसमें दो ही कलर डालने हैं और तीसरा कलर नहीं डालना है बिल्कुल भी, कोई और कलर नहीं डालना बिल्कुल भी। और ये हमारा वाइट स्टम्बर है, और वाइट स्टम्बर आपने देख ही लिया कि बाल्टी के अंदर वाइट ही निकलता है, कोई और कलर नहीं निकलता इसमें। तो दोस्तों ये हमने कलर बना के तैयार कर दिया है, आपने देख ही लिया कलर हमारा बन गया है दो स्टैंडर से, ये तीसरा हमारा कलर है। तो तीसरा कलर जो बना रहे हैं हम येलो ऑक्साइड से बना रहे हैं, येलो ऑक्साइड शाइनर है ये हमारी। ये कलर नंबर हमारा है 0387। शेड कार्ड आप जब आप देखोगे शेड कार्ड में आपको कलर और नाम भी सारा पता पड़ जाएगा। नाम मैंने लिखा नहीं है इसमें, क्योंकि ज़्यादा मेरा मतलब ज़्यादा एरिया घर ज़्यादा एरिया में नंबर आ रहे थे, इस करके मैं शॉर्टकट में नंबर डाले इसके। तो आप देख सकते हो दूसरा कलर जो डाला हमने वो डाला रेड, तो आप रेड ये कलर रेड डालना। तीसरा जो कलर है हमारा वो ब्लैक है, ब्लैक की जो डालनी है हमने दो या तीन बूंदें ही डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर ज़्यादा दूसरा कोई अगर ज़्यादा स्टैंडर्ड ब्लैक यूज करते हो तो आपका कलर वो सेम नहीं आएगा। तो आप माल के हिसाब से बना सकते हो, जितना आपके पास माल होगा उतना ही आप कलर बना सकते हो। कहने का मतलब ये है, ये मेरा 4 लीटर माल था, तो 4 लीटर में इस तरह से मैंने ये बनाया कलर। तो आप 1 लीटर में भी मतलब उसी हिसाब से आपने कलर माल जितना माल होगा उसी हिसाब से हमने स्टैंडर्ड डालनी है। ये नहीं है कि जितना मैं डाल रहा हूँ इसमें और उसी हिसाब से आप 2 लीटर में या 6 लीटर में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये कलर देखो हमारा सेम टू सेम हो गया और बन चुका है, ये भी आपको दिख रहा होगा, और सूखने के बाद सेम टू सेम आ जाएगा। तो माल के हिसाब से आपने कलर डा मिलाना है, बिना माल के नहीं मिलाना। ये फिर हमारा कलर तीसरा कलर है, तो ये हमारा वाइट स्टम्बर है। उसके बाद कलर नंबर जो है हमारा वह 7901। अभी मैं आपको सेल कार्ड भी दिखा देता हूँ, ये है फास्ट कलर है येलो 7901। इसमें क्या है कि हमारी ज़्यादातर येलो ऑक्साइड यूज होती है, येलो ऑक्साइड यूज ज़्यादा होती है, और उससे भी ज़्यादा होती है हमारी फास्ट येलो। यानी फास्ट येलो तो ऐसा समझ लो कि आप सबसे ज़्यादा फास्ट येलो ही यूज होती है, येलो ऑक्साइड कम रहती है तो फास्ट येलो ज़्यादा रहती है। अभी आप देख सकते हो इसमें हमने येलो ऑक्साइड डालिए और अभी फास्ट येलो ऑक्साइड डालेंगे, और आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें कोई कमी ना छोड़े माल के अंदर, कलर नीचे ना बैठा रह जाए ना आपको दिक्कत का सामना पड़ सकता है। ये हमारी फास्ट येलो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें यही कलर डालना पड़ता है फास्ट येलो, तभी ये कलर हमारा बनता है। जो येलो ऑक्साइड जो होती है वो कलर जो होता है येलो ऑक्साइड का, वो थोड़ा कम डालना पड़ता है। तो अभी आप दोस्तों देख सकते हो कि हमने ये कलर येलो ऑक्साइड कितनी डाली थी और ये फास्ट येलो कितनी डाल रहे हैं। हमें फास्ट येलो ज़्यादा ही डालनी पड़ती है तभी ये हमारा कलर बनता है। तो जैसे आप देख सकते हो वो कलर ये हमारा बन चुका है, और कलर सेम टू सेम हमने बना दिया। इसी तरह से आप भी सेम टू सेम कलर बना सकते हो। दोस्तों अगर आप डिस्टम्बर के अंदर आप कलर बनाते हो, डिस्टम्बर के अंदर कलर अगर बनाते हो तो आपको डार्क कलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सूखने के बाद ये लाइट हो जाता है। तो दोस्तों इसमें हमने और भी कलर मिलाया है,
इसमें सारा कलर हमने मिला के मतलब सेम टू सेम कलर ये किया है हमने। तो दोस्तों ये देख सकते हो अभी हम चौथा कलर बनाने जा रहे हैं। अब तक हमारा तीसरा चौथा अभी हमारा चौथा पांचवा कलर है, इसको भी हम बनाने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो किस तरह से ये कलर बनेगा और मैं आपको शेड कार्ड भी दिखा देता हूँ। पहले आप कलर देखिए किस तरह से बनेगा और आपकी समझ में आ जाएगा किस तरह से ये कलर हमारा बन रहा है। दोस्तों ग्रीन बनाना है 7742, ये कलर नंबर हमारा 7742। आपको बोल रहा हूँ शेड कार्ड ले लेना प्रीमियम विल्सन का, एकोलाइट प्रीमियम विल्सन प्लास्टिक पेंट, या आप ये सारे एशियन के कलर हैं। अगली बार हो सकता है और कंपनी में भी ला सकता हूँ कलर, फिलहाल मैं तो मैं इसके ही दो चार वीडियो बनाने चाह रहा हूँ। जो हमारे पेंटर भाई हैं उन्हें थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों सबसे पहले हमने इसमें फास्ट येलो डाली, ये फास्ट येलो डाली, फिर उसके बाद हमने ग्रीन डाली। ये देखो ये ग्रीन है, तभी वो हमारा ग्रीन कलर बनेगा, फास्ट ग्रीन है। और उससे पहले जो हमने डाली थी वो ये फास्ट येलो डाली थी। अब ग्रीन देखो, ग्रीन हमने कितनी डाली है, कितनी हमने डालनी है, ये देखिए। और किस तरह का ये कलर बनेगा आप देख सकते हो, जो चीज़ हमने बनानी थी वही कलर हमारा बनेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा येलो स्टैंडर येलो ऑक्साइड और डालते हैं, येलो ऑक्साइड और डालते हैं, उसके बाद हम फिर से फास्ट येलो डालेंगे। मतलब एक साथ कलर कभी नहीं डालना, थोड़ा 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 डालोगे तभी ये कलर बनेगा। अगर एक साथ कलर डाल दोगे तो आपका कलर ख़राब होने के चांस रहेंगे और ख़राब हो सकता है कलर। तो दोस्तों जो कलर हमारा था वो कलर ये बनकर तैयार हो गया है, और आपको लास्ट में हम इसकी दीवारें भी दिखाएंगे किस तरह की ये दीवारें करी हैं। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे आपको कौन कौन सी दीवारें हमने की हैं, इससे कलर कौन कौन से हैं। ये वाइट डिस्टेम्बर है दोस्तों, तो हमने पूरे एक फ्लैट का पूरे ही कलर बना दिया था, सारी दीवारों के कलर एक ही बार में बनाए थे। तो ये वाइट डिस्टेम्बर है हमारा, वाइट जो हमने वो छतों के लिए मारा था और इसी में हमने कलर इस्तेमाल किया है। दोस्तों हमारा ये माल है, माल हमारे पास पड़ा था पहले से, ये पिंक, तो पिंक के अंदर हमने वाइट डिस्टेम्बर डाल के तो इसको हमने कलर बनाया इसका। तो कलर कौन सा बनाया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अच्छी तरह से मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद में आपने क्या करना है, येलो ऑक्साइड स्टेनर डालनी है। ये हमारा येलो ऑक्साइड स्टेनर है, इसको डालना है आपने अच्छी तरह से, जैसे कि मैंने डाला इसके अंदर येलो ऑक्साइड स्टेनर। और कलर हमने कौन सा बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका मैं आपको नंबर भी दिखा दूँगा। अच्छी तरह से मिक्स करने कलर के लिए, नीचे कलर ना रह जाए, मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूँ कि नीचे कलर नहीं रह जाए, नहीं तो वरना आप लास्ट में आके आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कहीं भी आप टचिंग उचिंग करोगे तो माल में फ़र्क पड़ जाएगा, तो इस करके शुरू में ही आप ये काम करें कि अच्छी तरह से कलर को मिक्स करें। दोस्तों ये हमने येलो स्टेनर डाली है, पहले ऑलरेडी इसमें पिंक रेड था, मतलब पिंक वाला जो रेड से ही पिंक बनता है हमारा, तो रेड स्टेनर कह सकते हो या पिंक बोल सकते हो माल के लिए। इसमें फिर हमने ब्लैक स्टेनर डाली दोस्तों, अभी ये डाल के हमने, अभी तो हम येलो ऑक्साइड ही डाल रहे हैं इसमें, इसके बाद हमने ब्लैक यूज किए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लैक स्टेनर है, ये हमने इसके अंदर यूज किया है। तो इसकी हमने थोड़ी सी बूंदें डाली हैं, क्योंकि ब्लैक ज़्यादा नहीं डालना होता इन कलरों में, बहुत हल्का नागी सामान डालना होता है। तो आप देख सकते हो कितनी सारी बूंदें गिरी थी हमारी, और ये कलर हमारा बन के तैयार हो चुका है। हल्का सा फीका था हमारा कलर, तो हमने ये बाकी दोबारा से ठीक कर दिया है, आप देख सकते हो। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर मेरे से आप बात करना चाहते हो तो सुबह 10 बजे के बाद शाम 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, सुबह 10 बजे से पहले नहीं कर सकते, शाम 6 बजे के बाद नहीं करना। दोस्तों ये कलर हमने बनाया था 0572, ये हमारा कलर नंबर है। तो ये कलर तुम हाथ से इस तरह से बना सकते हो, इसमें 3 स्टेनर यूज होती हैं, और आप देख सकते हो किस तरह से मैंने ये कलर बनाए हैं। तो आपकी सारा समझ में आ जाएगा। तो और अगर कोई आपको लगता है कि इसमें हमने गलत बताया, मैंने गलत सलाह दी आपको, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों ये दीवार को हमने अच्छी तरह से रेगमार और पत्ती के साथ अच्छी तरह से साफ किया है, और इसका जो पपड़ियाँ थी और जो सोरा सिला प्रॉब्लम थी वो अच्छी तरह से मतलब निकाल दी, झाड़ दिया है। तो दोस्तों इसके अंदर हमने
डायरेक्ट पुट्टी ही मारी है और कुछ नहीं किया है। तो दोस्तों पुट्टी मैंने लगाते हुए आपको नहीं दिखाया है, बस सिर्फ छीलते और उसका बेस बनाते और रेगमार मारते दिखाया है आपको। ठीक है, पुट्टी हमने लगा दी थी क्योंकि उस समय मैं था नहीं, तो इसका कैमरा मैंने चलाया नहीं, वहाँ पर लेके गया नहीं। पहले पत्ती से छीले, उसके बाद पट्टी वाले रेगमार से अच्छी तरह से उसको साफ करें प्लास्टर को, और उसे उसके बाद पुट्टी करें। पुट्टी करने के बाद में 120 का आप रेगमार मार सकते हो अगर डिस्टेंबर कर रहे हो तो। अगर प्लास्टिक पेंट या कुछ और करते हो तो आप 120 का नहीं मारना, फिर आप 320 या 240 का या 220 वाला नंबर का सैंडपेपर यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये हमारा रेगमार लग चुका है और रेगमार थोड़ा भी रह गया तो बाकी हमारे लग रहा है, तो 120 नंबर से आप रेगमार मार सकते हो। और इसका माल जो आपने चलाना है वो पतला माल चलाना, ज़्यादा मोटा नहीं चलाना। ज़्यादा मोटा चलाओगे तो ब्रश के मार्क्स नहीं रहते हैं और उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये वाइट हमारे छत्तों का है, ये हमने छत्तों का माल बनाया था। तो हमने छतें भी अपनी फाइनल कर दी हैं, तो अभी फ़िलहाल में दीवारों का हमारा चल रहा है। तो दीवारों पर हमारा अभी रेगमाल लग चुका है अच्छी तरह से और अब हमारा ये कोट लगना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसमें ज़्यादा बड़ी मेरी वीडियो हो रही थी इस करके मैंने इसमें ज़्यादा काम नहीं किया है, मतलब ज़्यादा नहीं दिखाया आपको मैंने कि इतना देर मतलब कौन कौन सा कलर किस में हमारा है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से कमरे में क्या कलर है वो करने के बाद। तो थोड़ा ही मैंने कमरे का पेंटिंग का शॉट लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। और पहले कोट के बाद दोस्तों रिपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपेयर करने के बाद उसकी टचिंग कर लेना, टचिंग करने के बाद में फिर आप कोट लगा देना पूरा। पूरे में जब दूसरा कोट लगाओ तो आपकी जो रिपेयर है वो टचिंग करोगे आप उस पर, तो दूसरे कोट में आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से ये हमने पहला कलर जो बनाया था वही कलर है हमारा। तो आपको और कमरे में दिखा देता हूँ सारे किस तरह से मेरे कलर हुए, किस तरह से मेरा कलर का इसमें अच्छी तरह से फिनिशिंग आई है, किस तरह से मैंने काम करवाया है। दोस्तों इस फ्लैट की हालत इतनी बुरी थी कि मैं बता नहीं सकता आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या है कि पुट्टी के साथ मैंने इसको ठीक किया है। दोस्तों एक बात और, सोरा और सोरे की बहुत प्रॉब्लम थी इसमें, सोरा की और अपने शिलाब वगैरह की, लेकिन कस्टमर ने जिस तरह से कस्टमर हमसे बोला हमने उसी तरह से इसमें काम किया है। लेकिन फ़िलहाल में अपनी तरफ से मेरा हमने अच्छे ही किया है काम, लेकिन क्या है कि इसमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत थी लेकिन नहीं कराया उन्होंने। तो फ्लैट उन्होंने फ्लैट था उनके पास, तो बोले कि हमने यही काम कराना है, ऐसे ही कराना नॉर्मली, तो उसी से हमने वैसे ही नॉर्मल काम किया है। तो दोस्तों देख सकते हो किस तरह से हमने इसमें काम किया है और आपको दिखा भी सकते हैं हम किस तरह से हमने इसमें रंग किए हैं, वो सारा मैं दिखा देता हूँ अभी। दोस्तों ये छतें हमारी वाइट हो चुकी हैं अभी फ़िलहाल में। अब दीवारों को आप कलर दिखा देता हूँ मैं आपको, दीवारों पे हमारा कैसा कलर आया फाइनल वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये हमारे छत फाइनल हो गई, दीवारों का कलर ये है और दरवाज़ों पर अभी हमारा पेंट नहीं हुआ। कुछ दरवाज़ों पर पेंट हो गया है हमारा ब्राउन इनेमल, तो कुछ दरवाज़ों पर नहीं हुआ है। और ब्राउन इनेमल जो होता है दोस्तों तारपिन के साथ होता है, तारपिन तेल डालना पड़ता है और ब्रश के साथ होता है। दोस्तों ये ग्रीन जो बनाया था हमने वो ग्रीन ये है हमारा ड्रैग रूम की दीवार पर, ये टेक्चर रस्टिक है उसके ऊपर हमने लगाया है। और ये कमरे के वगैरह कलर है हमारे, ये हमने टेक्चर बनाया था, ये भी आप देख लो। मतलब सारे आपको मैंने कलर दिखा दिए, वैसे कलर तो हमारे काफ़ी सारे थे मैंने, लेकिन आपको दिखाया थोड़ा कम है, तो बकाया बनाते हुए दिखाया आपको सारा कुछ, तो उसमें आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, किस तरह लगी, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।